यार क्या ही लग रहा है ये। हाँ ये है चिकन पास्ता है। अच्छा गुड मॉर्निंग जी, ओह सॉरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून फ्रॉम अल बकरा दोहा खतर। उठना था सुबह में 6 बजे घूमने जाने के लिए, बट हो रहा है 2 बज गए। दो बस हम टाइम में एकदम। चलो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी रोज सुबह उठने के बाद ना एक हैबिट है, आंवला एंड स्ट्रॉबेरी का जूस ये पीता ही हूँ। इसके पीने की वजह ये है कि जो आंवला होता है, सॉरी आंवला होता है, इतना गंदा होता है टेस्ट में, इतना गंदा होता है टेस्ट में, खट्टा कड़वा मिक्स, तो ये स्वीट कर देता है। तो इसके लिए मैं दो खाता हूँ और ये बहुत बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। आप पढ़ लो गूगल में। हो गया जी, अभी बात करते हैं जहाँ हम जा रहे हैं आज। आज की जगह है, मैंने आज YouTube पे एक वीडियो देखा था जिनको आप शायद सब लोग जानते ही हैं, मुंबई कर निखिल भाई। उन्होंने भी कतर में लाइफ गुजारी है। वो एक जगह के बारे में बता रहे थे, क्या नाम था, शौक वाकिफ। यस, स्टॉक मार्केट जाने का आज मेरा प्लान है। वहाँ पे क्या है, स्टॉक मार्केट एक बेसिकली मार्केट है जो दोहा का ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स है। तो वो मार्केट में जाने का आज मेरा प्लान है। आपको दिखाऊंगा कि दोहा में जो खाना मिलता है, दोहा में जो चीज़ें मिलते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, और आप यहाँ आएंगे इन केस तो क्या कर सकते हैं। तो इसको चलो चलते हैं। सूरज काफी हाई है। यहाँ से अभी हमको जाना है मेट्रो स्टेशन, अल बकरा का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे कैसा है कि मेट्रो स्टेशन कहीं और है और हमको जाना है कोई और ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ पे। तो एक वैन आती है हर एक लोकेशन पे, वहाँ से वो वैन में फ्री ऑफ चार्जेस बैठना होता है, फिर वो लेके जाती है मेट्रो स्टेशन पे। फिर मेट्रो स्टेशन पे जाने के बाद में जो है अल बकरा पे जाएंगे। वहाँ से जाना है अलबिदा पे। अलविदा से ये जो है रेड लाइन है, रेड लाइन मेट्रो, ठीक है। वहाँ से चेंज करना है ग्रीन लाइन के लिए, हमको जाना है शौक को, तो वहाँ से ग्रीन लाइन पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ से जाना है शौक वाकिफ, तो वो ग्रीन लाइन पे है। रेड लाइन मेट्रो से जाएंगे फिर ग्रीन लाइन में घुस जाएंगे, दो मेट्रो चेंज करेंगे। और एक बात बतानी थी, क्या कि मेट्रो जो है सारे ड्राइवरलेस हैं, कोई ड्राइवर नहीं चलाता। हम जाके ड्राइवर की सीट पर बैठ भी सकते हैं, ट्राई करूँगा अगर सीट मिलेगी तो, क्योंकि लोग ऑलरेडी वहाँ बैठे होते जब मैं मेट्रो में जाता हूँ। तो ट्राई करते हैं इस बार कि मिलती है क्या सीट। मेट्रो का तो कार्ड बन गया है, कार्ड ऑलरेडी था, उसको रिचार्ज करना था, 10 रियाल रिचार्ज किया है। पर ट्रिप 2 रियाल एक्सपेंस होता है इसका मेट्रो का। तो अभी हम जाएंगे तो मेरा 2 रियाल कॉस्ट होगा, इसको मैंने 10 रियाल का रिचार्ज कर दिया है।
अभी हम आगे रेड लाइन से अब जा रहे हैं गोल्ड लाइन पे, यहाँ पे हमसे जाना है आगे, उधर है गोल्ड लाइन। दिस इज गोल्ड लाइन, फाइनली पहुँच गए अशोक वाकिफ मेट्रो स्टेशन। यहाँ से बाहर निकलते स्टेशन से, तो देखते हैं क्या करना है। ये आ गए हम अल वाकिफ, यहाँ पे आने के बाद फील हो रहा है कि ये कुछ ओल्ड सा है, लग रहा है ना ओल्ड वाली फीलिंग। नोबडी नोज व्हाट, इतने सारे चीज़ें हैं, देर आर सो मैनी होटल्स, देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई कैन डू हियर, बट समझ में नहीं आ रहा जाऊँगी तो देखता हूँ घूमता हूँ समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा ओवर व्यू मिल जाएगा ना हर चीज़ का, देन समझ में आ जाएगा कहाँ जाना है मुझे एग्जैक्टली। शौक वाकिफ की और एक चीज़ फेमस है यहाँ का स्ट्रीट फूड, यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत है और पूरे कदम में फेमस है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे एकदम आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा जो अलग अलग तरीके का होगा, अलग अलग मतलब अलग अलग कंट्रीज़ का होगा बेसिकली जो यहाँ का है। एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको अभी, वो नज़ारा देखिए कतर का, ऐसा लग रहा है पैसा फिट गया इधर आने का। अरे वाह, दिस इज़ अमेजिंग, ऐसा लग रहा है मेरा जितना मैंने मेहनत की आने के लिए फिर भी जो भी किया जैसे भी किया वो पैसा वसूल है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सस्पेंस रहने दो, पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। दूर से इतना खूबसूरत है, मैंने पास से कैसे दिख रहा है। ये जैसे कैमरा देखता है वो ना जस्टिफाइड नहीं है जो हमारे आँख देख सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है ना वो इतना खूबसूरत है यहाँ से, तो ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है अनफॉर्चुनेटली वो है। फिर यहाँ पे समथिंग आई डोंट नो, ये स्ट्रीट फूड है यहाँ पर, और स्ट्रीट फूड है अंदर, मतलब एकदम एकदम जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रीट फूड कैसे होने चाहिए वैसा है उधर, बट मैं भी वहाँ गया नहीं तो वहाँ जाते देखते हैं वहाँ पे वो कैसा है। तो ये देखो यार क्या ही बताऊँ क्या दिख रहा है, ये लास्ट वीडियो में मैं गया नहीं जा नहीं पाया था सिटी में, कैसा है ये एक ही दिन में हर चीज़ पूरी होती नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा पूरा करते रहना चाहिए। मैं वीकेंड्स पे घूमता रहता हूँ, वीकेंड्स होते हैं, अभी वीकेंड्स तो मेरे चल नहीं रहे, मेरे फ्राइडे सैटरडे तो हो नहीं रहा है मेरा, अभी कुछ कोई भी वीक में छुट्टी हो सकती है। हाँ वो छुट्टी कहाँ से हो सकती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं यहाँ करता क्या। तो किसी ने पूछा था मुझे कि मैं कतर में करता क्या, तो बाद में बताएंगे कोई और वीडियो में, बट शौक़ है ये मेरा घूमना जो है शौक़ है, मैं घूमता रहता हूँ फिरता रहता हूँ, बट हमारा घूमने का जो शौक़ है वो शौक को बस आपको दिखा रहा हूँ, दैट्स ऑल। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे देखो मैं क्या करता रहता हूँ। और वैसे मुझे वहाँ जाना पसंद है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हो, मतलब हिडन प्लेसेस फाइंड करना, बट अभी तो वो कर नहीं पाऊँगा इधर, पहले खुद कतर को एक्सप्लोर कर लेते, कतर है क्या, दोहा सिटी है क्या, यहाँ पे होता क्या क्या है, कैसे कैसे जगह है, लोगों को मिलते हैं ज़रा, ये सब होने के बाद फिर ढूंढेंगे हिडन प्लेसेस। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत हैं तो उतना आसान नहीं होगा ढूंढना वो, बट मिल जाएगा ढूंढ लेंगे। कोई चीज़ दिख रही है मुझे, ये क्या है देखते हैं।
पता नहीं मुझे, ये कोई कुआ होगा जो एंशंट होगा, लग तो वैसे ही रहा है। अभी इसकी हिस्ट्री तो पता नहीं है मुझे, बस देखने में बड़ा सुंदर है। यहाँ पे जो घोड़ा खड़ा है वो भी इतना खूबसूरत है। सारा ओल्ड मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट, देखिए लग रहा है ट्रेडिशनल एकदम। लोग काफ़ी हैं यहाँ पे, मैंने सोचा नहीं था एक कुआरी के टाइम से इतने लोग रहेंगे, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे जो चाहिए मिल जाएगा आपको, पेट्स खरीदना है, बर्ड्स है यहाँ पे। चलो और लंबा स्टोरी। इवनिंग को एनर्जाइज करने के लिए बताइए क्या कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो एक प्लान है, चाय पीते हैं। चलो चाय पीते हैं। मैप में देखा मैंने, एक दुकान, एक शॉप जो भी है दिख रहा है, नाम भूल गया मैं वापस से, वहाँ चलते हैं और यहाँ की चाय ट्राई करते हैं। ये है चिकन पास्ता है। अच्छा, और इधर ही मटन वाला मरगू का है, इसमें मरगू का ब्रेड पेपर, वेजिटेबल मिक्स। अच्छा, ये चिकन जेरिश, चिकन मिक्स, ये मटन हरीस, मटन हरीस। मेन्यू देखते हैं, यहाँ पे कुछ खाने के लिए है क्या। ये कौन से नाम होते हैं यार, अरे हाँ ये कारक टी, इसके बारे में सुना है मैंने। कारक टी पीना है, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, कैपेचिनो है, कैपेचिनो, नो 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 कैपेचिनो, कारक टी, रस, चिकन मजबूस, एक मिनट दिखाता हूँ, ये पीने का प्लान है। फिर चिकन, पता नहीं कौन से डिशेज हैं, मटन बिरयानी 20 to 40 रियाल्स। अरे रे, 20 रियाल होता है कितना पता है, 20 रियाल होता है 400 रुपया, और 40 रियाल होता है 800 रुपया। बहुत सस्ता है यहाँ पे, है ना। देखते हैं कुछ खाने को मिलता है क्या। चाय तो बढ़िया एकदम। अभी बहुत सी जगह हैं जो एक्सप्लोर करने हैं, ये वन ऑफ दोस प्लेसेस थे। यहाँ पे मेरा आज का प्लान था बस के देखना कि जगह कैसी है, क्या दिखती है, कैसे है यहाँ पे सराउंडिंग, क्या है यहाँ पे, क्या मिलता है, वो मैंने आज एक्सप्लोर कर लिया। तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ पे, अभी नॉलेज ज़्यादा है तो आएंगे वेंगे और अरेबियन डिशेज ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक मस्जिद है, क्या खूबसूरत लग रही है। अरे क्या ही लग रहा है ये, क्या खूबसूरत लग रहा है ये। कैमरा ना कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो आंख देख सकती है ना, ह्यूमन आई, कैमरा कैन नॉट जस्टिफाई व्हाट आई कैन डू ह्यूमन आई।
तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत चलना हो गया आज, मज़ा बड़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया होगा तो सपोर्ट करो, और भी बढ़िया वीडियो बनाएंगे और भी ब्लॉग्स आएंगे। कुछ देर यहीं बैठ के मैं घर चला जाऊंगा, लाइक आधा घंटा। थोड़ा पीसफुल है यहाँ पे, सुकून है, तो यहीं बैठा रहूँगा और घर चला जाऊँगा और सो जाऊँगा। आज बिरयानी ली है मैंने पार्सल, चिकन बिरयानी खाएँगे और सो जाएँगे। चलो तब तक के लिए